बेली फैट ऐसा फैट होता है जो लगभग सभी के पास होता है और हर कोई इससे छुटकारा पाना चाहता है। बेली फैट को दूर करना जरूरी भी है दोस्तों, क्योंकि इस फैट को विसेरल फैट कहा जाता है जो बहुत हार्मफुल होता है और टाइप 2 डायबिटीज और हार्ट डिजीज जैसी कई हेल्थ प्रॉब्लम्स का रिस्क बढ़ा देता है। ऐसे में बॉडी को हेल्दी रखने और फिट और स्मार्ट दिखने के लिए ये जरूरी है कि बेली फैट को टाटा बाय बाय कहा जाए। और अगर आप भी बेली फैट को रिड्यूस करना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में हम आपको ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाले हैं जो बेली फैट को जल्दी रिड्यूस करने में बहुत हेल्पफुल होंगे। इसीलिए क्विक सपोर्ट के इस वीडियो को अभी पूरा जरूर देखें ताकि आप जल्दी से बेली फैट को दूर कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं बेली फैट रिड्यूस करने के टिप्स। सबसे पहले है, पानी को राइट टाइम पर राइट क्वांटिटी में लीजिए। डेली 4 से 5 लीटर पानी तो आपको पीना ही चाहिए, क्योंकि हाइड्रेट रहना गुड हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। और अगर आप बेली फैट को कम करना चाहते हैं तो अगर आप खाना खाने से जस्ट पहले पानी पिएंगे तो ऐसा करने से आपकी भूख कम हो जाएगी और आप कम कैलोरी ही इंटेक करेंगे, जिसे बर्न करने में आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा आपको खाने के बीच में पानी या कोई भी लिक्विड पीने से भी बचना होगा, क्योंकि खाने के दौरान लिया जाने वाला ये लिक्विड हमारे डाइजेस्टिव जूसेस को डाइल्यूट कर देता है, जिससे डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है। और ये तो आप भी जानते ही होंगे कि चाहे आपको बेली फैट रिड्यूस करना हो, चाहे हेल्दी बॉडी चाहिए हो, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का एकदम प्रॉपर वर्क करना जरूरी है। नेक्स्ट है, ब्रेकफास्ट में हाई प्रोटीन डाइट लें। सुबह ब्रेकफास्ट में हाई प्रोटीन लेकर आप बेली फैट को जल्दी रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्रेकफास्ट आपके मेटाबॉलिज्म को बेटर बनाएगा और आपको एक बढ़िया एनर्जी बूस्ट देगा। और प्रोटीन की ये प्रॉपर्टी तो होती ही है कि फैट को बर्न करता है, इसीलिए दिन की शुरुआत प्रोटीन के साथ ही करें। अब है, ब्रेकफास्ट में फाइबर और हेल्दी फैट भी शामिल कीजिए। अपने प्रोटीन ब्रेकफास्ट में फाइबर और हेल्दी फैट शामिल करके आप बेली फैट को तेजी से कम कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट में प्रोटीन के साथ फाइबर और हेल्दी फैट ऐड होने से आप फूड की कम क्वांटिटी लेकर भी सेटिस्फाइड फील करेंगे और कुछ दिन बाद आप लंच और डिनर में पहले की तुलना में कम खाने लगेंगे। इसके बावजूद आपको पेट भरा हुआ फील होगा और आप पूरे दिन लाइट भी फील करेंगे, क्योंकि आपकी डाइट सही होगी। अगली जिस चीज का आपको पालन करना होगा वो है कि सोने से पहले भी प्रोटीन डाइट ही लें। बेली फैट कम करने के लिए आपको दिन की शुरुआत प्रोटीन से करनी है और दिन के एंड में भी प्रोटीन ही लेना है, क्योंकि रात को सोने से पहले लिया गया प्रोटीन नेक्स्ट मॉर्निंग आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और सोने के दौरान यह आपकी बॉडी को रिपेयर होने में भी हेल्प करता है, जिससे आपकी अगली सुबह फ्रेश होगी। डेली एरोबिक एक्सरसाइज करिए। अगर आप जल्दी बेली फैट रिड्यूस करना चाहते हैं तो रनिंग, स्विमिंग या एरोबिक एक्सरसाइजेस जैसी हार्ड इंटेंसिटी वर्कआउट की हेल्प लीजिए। अब बात करते हैं कि अपनी डाइट में सोल्यूबल फाइबर शामिल कीजिए। आप सोल्यूबल फाइबर जैसे बीटा ग्लूकान और ग्लूकोमेनन अपनी डाइट में शामिल करें, क्योंकि ये फाइबर वाटर को एब्जॉर्ब करके एक जेल बनाते हैं जो फैट एब्जॉर्प्शन को कम करता है। इस तरह का फाइबर बार्ले, नट्स, फ्लैक्स सीड्स, स्वीट पोटेटो, एप्रिकॉट, ऑरेंजेस, बीन्स और लेंटिल्स में मिलता है। अब बात करेंगे कि रिफाइंड कार्ब्स कम लीजिए। बेली फैट कम करने के लिए और गुड मेटाबॉलिक हेल्थ बनाने के लिए आपको रिफाइंड कार्ब्स की कम क्वांटिटी ही लेनी चाहिए। इसके लिए आप होल ग्रेन्स और वेजिटेबल्स का ऑप्शन चूज कर सकते हैं, बजाय व्हाइट ब्रेड, व्हाइट राइस और सोडा के। अब है, सोडियम इंटेक कम करिए। अगर आप अपनी डाइट में सोडियम की ज्यादा मात्रा लेते हैं यानी नमक ज्यादा खाते हैं तो बेली फैट कम करने के लिए आपको नमक की मात्रा अपनी डाइट में कम ही करनी होगी। नमक पानी की ज्यादा मात्रा को रिटेन करता है, जिससे पेट फूला रहता है और पेट के आसपास के एरिया में फैट बढ़ना भी शुरू हो जाता है। डेयरी प्रोडक्ट्स कम लीजिए। दोस्तों, डेयरी प्रोडक्ट्स एक हेल्दी डाइट का हिस्सा जरूर होते हैं, लेकिन अगर आप जल्दी बेली फैट कम करना चाहते हैं तो आपको इनकी क्वांटिटी कम ही करनी होगी। इसके लिए आप आमंड मिल्क, आमंड चीज, कोकोनट योगर्ट जैसे प्रोडक्ट्स चुन सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करें। बेली फैट कम करने के साथ साथ अपनी हेल्थ को बिगड़ने से रोकने के लिए आपको प्रोसेस्ड फूड जैसे कैंड फ्रूट्स, जूसेस, फ्रोजन फ्रूट्स, चीज, सॉफ्ट ड्रिंक्स, व्हाइट ब्रेड आदि से दूरी बनानी होगी। इसके साथ साथ फ्राइड फूड और शुगरी प्रोडक्ट्स को भी अवॉइड करना होगा। अच्छी नींद लीजिए। बेली फैट कम करने के लिए आपको गुड क्वालिटी स्लीप लेने की जरूरत होती है दोस्तों, क्योंकि शॉर्ट स्लीप मेटाबॉलिज्म पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। ऐसे में फैट सेल्स को बर्न करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए अच्छी नींद लीजिए ताकि बेली फैट कम करने में आप जो एफर्ट्स लगाएं वो वेस्ट ना हो। अब है, स्ट्रेस लेवल को कम करिए। आपका स्ट्रेस लेवल भी आपके बेली फैट को इफेक्ट करता है। स्ट्रेस का बढ़ा हुआ लेवल
एड्रेनल ग्लैंड को कोर्टिसोल हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए ट्रिगर करता है और कोर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। इस स्ट्रेस हार्मोन का लेवल जब बढ़ जाता है तो एपेटाइट बढ़ जाती है, जिससे ज्यादा खाना खाया जाता है और पेट के चारों तरफ फैट जमा होना शुरू हो जाता है। अब बात करेंगे अल्कोहल की ज्यादा मात्रा लेने से बचिए। अगर आप ज्यादा अल्कोहल लेते हैं तो ये आपके बेली फैट को इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि अल्कोहल की ज्यादा मात्रा सेंट्रल ओबेसिटी का रिस्क पैदा कर सकती है, जो कमर के चारों ओर फैट के रूप में जमा हो जाती है। दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि अपनी डेली रूटीन में कौन से टिप्स फॉलो करके आप बेली फैट को तेजी से कम कर सकते हैं, और अगर आपको बेली फैट की प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसे कैसे मेंटेन रखते हुए फिट बने रह सकते हैं। इसीलिए इन इजी और इफेक्टिव टिप्स को तुरंत फॉलो करिए। क्विक सपोर्ट को उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और बेली फैट को रिड्यूस करने के इफेक्टिव टिप्स भी दे पाया होगा। आगे भी ऐसी ही इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग जानकारियां आपके लिए हम लाते रहेंगे। इसके लिए हमारे चैनल क्विक सपोर्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हर नई और इनोवेटिव जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।